ईशान, याद रखिए ईशान जवान, कभी भी इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है, लगता है और आज भी बलिदान देने की आवश्यकता है। मैं यही परिचर्चा कर दे रहा हूँ। एक बड़ी जोर शोर से बिहार का कृषि मंत्री उठा रहा है मंडी कानून का, जिसके लिए भारत व्यथित रहा। पूरा आंदोलन चला, कानून वापस हुआ। वो किसानों का प्रतीक था, किसानों से अलग ये भारत है ही नहीं है, इसे गांधी ने समझा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने समझा था। और जो इस रास्ते पर चलते हैं गांधी के और किसानों को अपना मानते हैं, क्योंकि ताकत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, संयोग से बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया। लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। लेकिन किसान, याद रखिए किसान और जवान, कभी भी इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए आज के दिन बिहार के कृषि मंत्री ने किसानों, मजदूरों, गाँव वालों के हित में अपने त्याग पत्र को भेज दिया है, ताकि सरकार अच्छे ढंग से चलती रहे। क्या सुधाकर इस्तीफा भेज दिया, तेजस्वी जी के हाथों में मिल चुका है। अब तेजस्वी जी के ऊपर है कि कब इसको, जहाँ किसी कानूनी प्रक्रिया पूरी होती है वहाँ उसको भेजेंगे। सर आपकी क्या, आपकी भी कोई, मैं जितना कहना था कह चुका, इससे बड़ी समाचार क्या लोगे, समाचार मिल गया, बिना वजह खींचतान से क्या फ़ायदा।